डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट तरीन जो है 15 लॉन्ग क्वेश्चन। इन लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह आपके जो है फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलें शेयर करते हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल RR एजुकेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एक्सप्लेन एनी फोर। ठीक है, बायोलॉजी की मुख्तलिफ शाखाओं पर नोट लिखें, किसी चार की वजाहत करें। और दूसरा हमारा इसके पास बेजुज है, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियस, राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस जो है के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन भी आप बयान करें। तो इसमें से सबसे पहले वाला जो अलिफ वाला ऑप्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने वाला है। ठीक है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ऑफरिंग दैट अ बायोलॉजी स्टूडेंट कैन प्लान टू अडॉप्ट, डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना है, वो कौन से पेशे हैं जो कि बायोलॉजी का तालब इलम अख्तियार करने की मनसूबा बंदी कर सकता है, हर एक की तफसील बयान करें। ठीक है, और उसके बाद इसका बेजुज है, प्लास्टिड्स क्या हैं और इसकी मुख्तलिफ अकसाम बयान करें और इसकी जो है साहत और अफवाल भी बयान करें। ये वाला भी जो है, ये भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है। प्लास्टिड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्हाट आर प्लास्टिड्स, गिव देयर डिफरेंट टाइप्स, राइट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है। और इसके बाद हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ सम मुस्लिम साइंटिस्ट इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के मैदान में चंद मुस्लिम साइंसदानों के कारहाय नमाया जो है वो बयान करें। और उसके बाद इसका बेजुज है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो ये वाला भी जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है। और राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4 है, डिस्क्राइब ब्रीफली द आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। जानदारों की तंजीम के आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल की मुख्तलिफ मिसालों से वजाहत करें। तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि पेपर में बार बार रिपीट होता है। और इसका जो है बे ऑप्शन है हमारे पास, व्हाट इज टिश्यू, डिस्क्राइब मेजर एनिमल टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिटीज, लोकेशंस एंड फंक्शंस। टिश्यूज क्या हैं, जानवरों के टिश्यू, उनके सेल्स की खसूसियात और उनके मकामात और इनके अफवाल जो हैं वो बयान करें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है फर्स्ट उसका अलिफ जो पॉइंट है हमारे पास वो है, जानदारों की अजसाम बनाने के लिए सेल्स की कितनी अकसाम की ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर एक की वजाहत करें। हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स आर देयर इन फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन ईच। ये भी जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसका बेजुज है, टिश्यू क्या है, सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में फ़र्क बयान करें, और सेल्स की खसूसियात और उनके मकामात और उनके अफवाल जो है वो बयान करें। ये भी जो है आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंजाइम की खसूसियात बयान करें, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम। ये भी जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके साथ इसका बेजुज जो है, फोटोसेंसिस में क्लोरोफिल और लाइट का किरदार बयान करें, नेज रिस्पिरेशन का मैकानिज्म बयान करें। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 7 है, इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इंजाइम्स के इस्तेमाल जो हैं वो आपने बयान करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लाइट रिएक्शन के मुख्तलिफ मराहल बयान करें, राइट डाउन द समरी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शंस। फैक्टर की वजाहत करें जो इंजाइम्स एक्शन की शरह को मुतासर करते हैं। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और उसके बाद हमारे पास बेजुज है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की अहमियत और इसकी सादा जनरल मसावात के लिए फोटोसिंथेसिस के अमल की वजाहत करें। यह भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 9 है, इंजाइम की तख्सीस के बारे में आप क्या जानते हैं, मसालों की मदद से इनकी वजाहत करें, इंजाइम्स की तख्सीस को कैसे बयान किया जाता है। वट डू यू नो अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, हाउ द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज डिटरमिन्ड। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है बे ऑप्शन इसका है, ATP से क्या मराद है, ATP की चंद फंक्शंस बयान करें, ATP का केमिकल स्ट्रक्चर भी बयान करें, व्हाट इज मीन बाय ATP, राइट
सम इट्स फंक्शंस आल्सो राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है। और इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है फर्टिलाइजर्स की अहमियत बयान करें। ये राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास बे ट्रांसपायरेशन की अहमियत बयान करें, ये भी आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है इंसान के जिस्म में कैल्शियम और आयरन का किरदार बयान करें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले चैप्टरों में से है। और नेक्स्ट हमारे पास बेस का ऑप्शन है खून की बीमारी ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया की अलामत और वजूहत बयान करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में इंसान के जिस्म में पानी और डायट्री फाइबर्स की अहमियत बयान करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप लोगों ने करना है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड डायट्री फाइबर्स इन ह्यूमन बॉडी जो है। नेक्स्ट हमारे पास बेस का ऑप्शन है ब्लड वेसल्स पर एक मुफसल तफसीली नोट लिखें, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि ब्लड वेसल्स पर राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्लड वेसल्स जो है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है मेल न्यूट्रिशन के असरात बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन जो है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका अगला क्वेश्चन आ रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से क्या मराद है, इसकी वजूहत अलामत और इलाज लिखें। व्हाट इज मीन बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिस्क्राइब इट काजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 14 है और इसका सबसे पहला है हमारे पास इंसानी जिस्म में जिगर का किरदार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिगर का किरदार जो है राइट द रोल ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी जो है। नेक्स्ट हमारे पास बेस का ऑप्शन ट्रांसपायरेशन की शरह को मुख्तलिफ अमल किस तरह मुतासर करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास एलिमेंट्री कनाल में तीन इंसानी बीमारियों की तफसील बयान करें, राइट द डिटेल ऑफ थ्री ह्यूमन डिजीज इन एलिमेंट्री कनाल। और नेक्स्ट इसका वे ऑप्शन है स्टोमेटा के बंद और खुलने होने का मैकानिज्म बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का मैकानिज्म। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और लेटेस्ट जो है गेस्ट पेपर भी आपको पेपरों के करीब जो है मुहैया कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप जो हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं बायोलॉजी के और बाकी सारे सब्जेक्ट के, तो उसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, उसको जाके आप देख सकते हैं।